जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे, जो कि हमारे पास मंडे से मार्केट ओपन होगी नेक्स्ट। तो ये सबसे पहले जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो या एनालिसिस नहीं देखे तो वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उनका। तो ये मैंने गोल्ड का, सॉरी, ये मैंने न्यूज़ के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन की हुई है। तो नेक्स्ट वीक जो फंडामेंटल या फिर जो भी डेटा वगैरह रिलीज होंगे, इवेंट्स, न्यूज़ वगैरह, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो मंडे मंडे वाले दिन तो मंडे वाले दिन तो USDT बैंक हॉलीडे है, तो मंडे वाले दिन मार्केट इतनी मूवमेंट नहीं करेगी। तो इसके बाद 16 जनवरी ट्यूसडे को है, तकरीबन एक न्यूज़ है 6:30 बजे, पायर स्टेज मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के बारे में। तो मार्केट इसमें वोलेटाइल होगी थोड़ी सी। और उसके बाद हमारे पास 17 जनवरी को जो न्यूज़ दो हैं, कोल रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स, तो ये दो न्यूज़ हैं हाई इंपैक्ट न्यूज़। तो उसके बाद 7:15 पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और 18 जनवरी को एक हाई इम्पैक्ट, बाकी मीडियम है, और एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा लगती है मार्केट में और हाई इम्पैक्ट है। और उसके बाद है बिल्डिंग परमिट्स और फिर चीड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें तीन न्यूज़ हैं। तो नेक्स्ट वीक इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से मार्केट मूवमेंट नहीं करेगी। तो जो फ्राइडे वाले दिन हाँ, उस दिन भी तकरीबन ये तीन न्यूज़ है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ, गोल्ड की। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, तो ये जो रिमूव कर देता हूँ, गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो चुका है। और जी सबसे पहले तो हम देखते हैं ये चीज़, ये जो एरिया था, ये इसका सपोर्ट एरिया था 2015, 2014, 16 से। इधर से मार्केट गई है ऊपर रिजेक्शन मिलने के बाद, ये वाला एरिया। इधर से रिजेक्शन मिली है, अब मार्केट ने इन कैंडल्स के, ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली 2045, इसको ब्रेक किया है, सॉरी, वो ये वाली, ये कैंडल को ब्रेक किया है। लेकिन जो अभी इसकी वीक है, वो इसने अभी वो ब्रेक नहीं की। अगर वो ब्रेक कर देती तो मार्केट तकरीबन ऊपर जा सकती। ये जो वीक थी इसकी 2063, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करती तो फर्दर इधर तक आ सकती थी, 2079 तक। लेकिन अब देखते हैं, अगर ये कैंडल इधर ही क्लोज होती है तो हम बाय में जाएंगे।
बाय में हम जाएंगे मेरे ख्याल से आपको जो बाय में रहना चाहिए, और या फिर ये इसका जो हाई है इसको, या फिर ये 2045, अगर ये कैंडल 2045 के नीचे क्लोज होती है तो आप सेल में आएँ, अदरवाइज़ अगर ये वाली कैंडल डेली की इधर ही क्लोज हो जाए, बुलिश में 2045 है ऊपर, तो आप बाय में जाएंगे तो टीपी आपका 2080 तक होगा। तो आगे हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं उधर क्या सिनेरियो है। जैसे ये इसकी सपोर्ट थी, और ये इसका जो हाई था छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, ये वाला जो एरिया था, ये वाला पहले तो ये वाला एरिया इसने ब्रेक किया, ये वाला 2040 का, तो उसके बाद मार्केट गई ऊपर, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर जा रही है वो ऊपर। हाँ, बाय में ट्रेड रखें, सेल में ना जाएं, अगर सेल में जाना तो शॉर्ट टाइम के लिए जाएं। तो मार्केट इधर से बाय जाएगी, तो आप इधर से बाय रखें, और इसका जो मार्केट ने इधर से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की है, ये वाला ब्रेकआउट हुआ है ये इधर से ब्रेकआउट भी हुआ है ऊपर, जो रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक होगी, तो ये हमारे लिए कंफर्मेशन है आप इधर से बाय जाएं। अगर मार्केट नीचे आती है, नीचे से आप तकरीबन 2035 से बाय ले सकते हैं, 2035-30 से इधर से बाय लेके आप 2080 तक जा सकते हैं। ये कैंडल इधर से भी ब्रेकआउट हुआ है ऊपर, ये वाली जो 2040 के डिस्टेंस ये भी ब्रेकआउट हुई है, तो आप बाय की ट्रेड ले जा रहा था। सेल की ट्रेड इतनी ज़्यादा ना लें, सेल की ट्रेड अगर लेनी है तो शॉर्ट टर्म में लें, लॉन्ग टर्म में ना लें, और जो बाय है वो लॉन्ग टर्म रखें। और नीचे से जो सिनेरियो था, ये थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट था ये वाला, मैं ये वाला फेक ब्रेकआउट था, मार्केट ऊपर फिर आई नीचे, फिर गई ऊपर फिर आई नीचे, ये नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसने भेज दिया ऊपर, इधर से ब्रेकआउट आया फिर नीचे, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जा सकती है। तो आप बाय में रहें, ज़्यादातर बाय के चांसेस हैं, सेल में शॉर्ट टर्म के लिए रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो क्या सिनेरियो है इसमें, ये देखें, ये सेम ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद ये जो ऊपर ये वाली रेजिस्टेंस है ये वाली, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है, और ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है ये ऊपर गई है, फिर रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जा रही है। देखा नहीं, ये रिटेस्ट हो रहा है, ये रिटेस्ट हो रहा है, इधर से ब्रेकआउट फिर ये रिटेस्ट ऊपर फिर रिटेस्ट, इधर से बाय लें 2040-36 से, ये 2045 से, तो अगर मार्केट फर्दर डाउन आए तो आप इधर से बाय ले सकते हैं 2030 से, फिर ऊपर जा सकते हैं मार्केट, दो टीपी आपका 2063 और 2070 होगा। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी,
तो ज़्यादातर गोल्ड बाय में रहे और सेल में इतनी पोजीशन ड्रॉप न करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।